तेरे को हिंदी नहीं समझ में आती क्या? चल हट इधर से। कितनी बार समझाऊं? बहुत अच्छा हुआ, एक और पढ़ना चाहिए था, तब जाके चुप होगी। ये दिशा इतना क्यों खुश हो रही है? ऐसे पता चल गया है कि आलिया इसकी सौतन है। तभी जब आलिया को थप्पड़ पड़ा तो इसे इतना मजा आ रहा था। आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन जब तक मैं आपका आईडी कार्ड और आपके सर्च वारंट नहीं देख लेती, मैं आपको आगे नहीं जाने दूंगी। अगर ये रेड मारना आपकी ड्यूटी है तो आपका आईडी और आपका ये सर्च वारंट देखना मेरा सिविल राइट है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया ना, देन ट्रस्ट मी, अभी इसी वक्त पुलिस कमिश्नर को फोन लगाऊंगी और उन्हें बताऊंगी कि कुछ लोग मेरे घर में आके अपने आप को इनकम टैक्स ऑफिसर बता रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं अविनाश, नहीं, चुप मत रहो। तुम चुप रहोगे तो उसे शक हो जाएगा। पेपर्स नहीं है तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। इसकी तो बोलती ही बंद हो गई। लगता है इसका भांडा फूटने वाला, हम सब फंसने वाले हैं। अगर मैंने अभी कुछ नहीं कहा तो आलिया को मुझ पर शक हो जाएगा। मुझे चुप नहीं रहना चाहिए। और आप लोगों को क्या हो गया? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? पढ़े लिखे होकर भी आप ऐसे किसी को घर पर आकर ऐसे रेड मारने देंगे क्या? पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। क्यों, कैसा किया? अरे हिमालय की चोटी पर झंडा गाड़ दिया तूने, बोल रहा है कैसा किया? सालिया की बोलती बंद कर दी यार तूने तो। तुझे तो पता ही है लड़कियों की बोलती बंद करने में मुझे कितना मजा आता है, और वो भी स्पेशली एरोगेंट लड़कियों की। एरोगेंट नहीं है वो, जंगली बिल्ली है वो। पर तूने देखा ना कैसे नीचे उस जंगली बिल्ली को मैंने भीगी बिल्ली बना दिया। अरे यार तूने कमाल कर दिया सीरियसली। पर जब उसने पेपर्स मांगे ना तो मुझे लगा तू मैनेज कर लेगा, लेकिन जब वो पीछे पड़ गई थी तो मुझे तो लगा हम गए। अरे यार मैं पूरी तैयारी के साथ आया था, वो तो बस मैं थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट कर रहा था। अरे तेरा ड्रामा सुपर हिट था यार, मजा आ गया। और बेस्ट पार्ट तो वो था जब तेरी फ्रेंड ने आलिया को थप्पड़ मारा, मेरी वाइफ तो वहीं खड़े खड़े हंस रही थी। अरे भाभी जी को पसंद आया, तू इशारा कर देता मैं एक दो थप्पड़ और लगवा देता उसे। अरे नहीं नहीं यार, हमें उसे मारना वारना नहीं है, बस हराना है। अब तू जल्दी से ना वो फाइल ढूंढवा दे, उसके बाद हम पार्टी करते हैं। अरे बस हो ही गया, बचा ही क्या है, हमें बस वो फाइल ही तो ढूंढनी है। चल यारो, पूरा कमरा खंगाल मारो, मुझे वो फाइल हर कीमत पर चाहिए, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। अगर आलिया के रूम में नहीं है तो पेपर्स गए कहाँ, छुपा के रखे होंगे उसने। एक चोर के कमरे में कुछ नहीं मिला तो इसके कमरे में तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। ये कमरा है किसका? ये तनु का कमरा है। इस कमरे को ध्यान से चेक करना, वो फाइल जरूर यही मिलेगी। पर वो फाइल आलिया तनु के रूम में रखेगी क्यों? अरे वो आलिया ऐसी लड़की है, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने दोस्तों की जान भी खतरे में डाल देगी। वो ना हो वो फाइल यही होगी। सुनो, वो फाइल इसी कमरे में है, तुम सब ढूंढना स्टार्ट करो। अविनाश, ये देखिए पेपर्स तो नहीं मिले पर ये खजाना मिला है। हाँ पर ये हमारे किस काम का? काम आ सकता है, हम एक काम करते हैं, हमें जो जो मिलता जा रहा है उसे नीचे ले जाकर हॉल में रख देते हैं। वो आलिया और दोनों वैसे ही बहुत घबराए हुए हैं और ये सब देख के वो और घबरा जाएंगे, और हो सकता है कि कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमें वो फाइल मिल जाए। एक्चुअली नाइस आइडिया, और इससे हमारी रेट भी एकदम रियल लगेगी। सुनो तुम एक काम करो कि ज्वेलरी और जितनी भी फाइल्स वगैरह मिली है ना सबको ले जाकर नीचे हॉल में रख दो, और आगे भी जितनी फाइल्स वगैरह मिले उन सबको ले जाकर बाहर रख दो। ओके सर। Thank you.
सीट तो सारी मेरी चल रही है और ये ओ मैडम चलो उधर। ये क्या लिया? जो ढूंढने आए थे वो तो मिला नहीं, ऊपर से मेरी सारी ज्वेलरी लेके आए और तुम यहाँ पे कुछ भूल नहीं रही हो। आपको देखकर तो नहीं लग रहा कि इन दोनों को कोई फाइल मिली या कुछ भी मिला? लेट मी चेक क्या मिला है इनके पास। इस आलिया को तो किसी बात का कोई डर नहीं है, मतलब इसे पता है कि ये पकड़ी नहीं जाएगी और अगर कोई जेल जाएगा तो वो हूं मैं। निकल गई आपकी? ओ आई मीन वो जो ढूंढने गए थे वो मिल गया ना? अभी तक तो नहीं मिले लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मिल जरूर जाएंगे। एक्चुअली यू राइट, उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम। चलो चलकर पूरे घर की तलाशी लेते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। हाँ अरे क्या कर रहे हो, यहां क्या ढूंढ रहे हो? मेरा कमरा है वहां, देखो। क्या हुआ यार, कुछ मिला? कुछ भी नहीं। अरे यार देख सुन, हम हार नहीं मानेंगे, एक काम कर दे, तू वहां देख मैं वहां देखता हूँ। ठीक। अरे विनाश। हाँ। सुन सुन जरा, अभी तेरी मूछ निकल गई है, ठीक से लगा इसे। क्या हुआ, पूरा फाइल मिले? कुछ भी मिला? मैं और अविनाश भी अभी वही बात कर रहे थे, पता नहीं उसने फाइल कहाँ छुपा के रखी, हम लोग ढूंढ के थक गए हैं लेकिन फाइल मिली नहीं। ऐसा लग रहा है मानो कहीं गायब ही कर दी हो। 3 घंटे हो गए हमें रेड का ड्रामा करते हुए, सिर्फ डरा डाला, धमका डाला, घर का चप्पा चप्पा छान मारा, पर फिर भी फाइल तो दूर, कागज का टुकड़ा तक नहीं मिला। यू नो व्हाट पूरब, मुझे नहीं लगता कि वो फाइल इस घर में है। आई थिंक ही इज राइट, और अब हमें ये ड्रामा खत्म कर देना चाहिए क्योंकि इस फाइल का तो पता नहीं, लेकिन अगर ये ड्रामा ऐसे कंटिन्यू रखा तो यहाँ सबको हम पे शक हो जाएगा। नहीं पूरब, ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें जो ठीक लगे वो करो। वैसे भी जो फाइल ढूंढ रहे थे वो तो मिला नहीं, ना कोई सबूत मिला, फिर एनीवे चाहे फाइल मिले ना मिले, आपने हमारी बहुत मदद की, थैंक यू सो मच मिस्टर अविनाश। अरे आप थैंक यू मत बोलिए, देखिए पूरब मेरे भाई जैसा है तो आप भी मेरी बड़ी बहन जैसी है। अब मेरी जगह कोई भी भाई होता तो अपनी बहन के लिए यही करता, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं आपकी मदद कर पाया। हाँ हालांकि इस बात का गम जरूर है कि आपका काम पूरा नहीं कर सका। सॉरी यार। अरे इट्स ओके। चल ठीक है, मैं चलता हूँ। चल ठीक है, फोन करते रहना। ओके। मिस्टर अविनाश। जी दी। आप नीचे जाकर ऐसे प्रिटेंड कीजिएगा कि आपको वाकई कुछ मिला है, कुछ भी क्वेश्चनेबल। अगर आपको ठीक लगे तो आप कुछ फाइल्स ले जाइएगा जो पूरब वापस ले आएगा, कि उन लोगों को लगना चाहिए ना कि ये वाकई असली रेड थी और आपको कुछ तो सबूत मिला है उनके अगेंस्ट। जी जी दीदी, वो तो करना ही पड़ेगा। चलते हैं। थैंक यू अगेन। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।